नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए आलू सिंघाड़े के आटे से पराठे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। आलू सिंघाड़े के आटे से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंघाड़े के आटे और आलू को मिलाकर डो तैयार करेंगे, तो हम वो कर लेते हैं। ये हमने बड़े प्याले में एक कप सिंघाड़े का आटा लिया है और ये दो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। ये हमने आलू छीलकर तैयार कर लिए। आलू को हमें बारीक कद्दूकस करना है, तो हम बारीक वाला कद्दूकस लेंगे। और आलू को मैं आटे में ही कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें आटे में मिलाकर ही डो तैयार करना है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा सेंधा नमक डालेंगे। ये हमने दो हरे मिर्च बीज हटाकर बारीक काट लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते हो तो मिर्च ना डालें, लेकिन अच्छा स्वाद आता है। और ये दो टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसमें हम एक छोटी चम्मच घी डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सख्त, जैसा हम नॉर्मल पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू मिलाया है। अगर हम उतना ही सॉफ्ट आटा गूंथे तो बाद में आटा थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि आलू मॉइस्चर छोड़ता है। ये हमने हल्का सा सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया। आटे को ढक कर हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं और इसके बाद पराठे बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हम आटे को थोड़ा सा और मस लेंगे, तो हाथ पर थोड़ा सा घी डालेंगे और आटे को मसल लेंगे। ये आटा हमने मसल कर तैयार कर लिया, और इतना आटा लगाने में हमने एक चौथाई कप पानी लिया था, जिसमें से करीब 2 चम्मच पानी बच गया है। पराठे बनाने के लिए हमने इसमें ये सूखा सिंघाड़े का आटा ले लिया है। गैस ऑन कर देते हैं और तवा गर्म होने देते हैं। तो आटे में से हम थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बना सकते हैं। आटे को हम गोल करके इस तरीके से पेड़ा जैसे बना लेंगे। इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे और बाकी आटे को ढककर रख लेते हैं, ताकि आटा सूखे ना। पराठे को 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे। अगर पराठा चकली पर चिपकने लगे तो हम थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। इसको हम आधा करते हुए फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे इधर, और इस पर भी हम पूरे एक जैसा फैला देंगे, और इसको भी आधा करते हुए फोल्ड करेंगे। ये हमने तिकोना बना लिया। हम तिकोने पराठे बनाना चाहे तो इसी को ही सूखे आटे में लपेट कर और तिकोना बेल कर तैयार कर लेंगे, लेकिन हम ये पराठा गोल बनाएंगे, तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से उंगलियों के सहारे से गोल कर लेंगे पहले। अगर हम उसे तिकोना ही बेलें, थोड़े से किनारे फटे रहेंगे। गोल में भी थोड़े से तो फटे रहेंगे, क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा है। ये हमने गोल पेड़ा जैसा फिर से बना लिया, और अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और 5-6 इंच के व्यास में हल्का सा मोटा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। और जब भी ये चकले से चिपकेगा, सूखा आटा लगा लेंगे। बड़े आराम से पराठा बेल जाता है। इसमें हमें बहुत ही हल्की ताकत लगाते हुए पराठे को बेलना है। अगर हम जरा भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए पराठे को बेलेंगे तो पराठा फट सकता है। तवा गर्म हो गया है, तवे पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और चारों ओर फैला देंगे, और पराठे को सावधानी से उठाकर तवे पर डालेंगे। गैस मीडियम रखेंगे, पराठे को नीचे की ओर से हल्का सा सिकने देंगे। पराठा ऊपर से हल्का सा डार्क दिख रहा है, पराठा नीचे से थोड़ा सा सिक गया है। हम इसे पलट देते हैं और पराठे को दूसरी ओर से भी हल्की ब्राउन चिट्टी आने तक सिकने देंगे। और जब तक हमारा ये पराठा सिकता है, तब तक दूसरा पराठा बेलकर तैयार करें। पराठा दूसरी ओर से भी थोड़ा सा सिक गया है। हम पहली साइड पर थोड़ा सा घी डालेंगे
और एक जैसा फैलाएंगे और पराठे को पलट देंगे। इस ओर भी थोड़ा सा घी डालेंगे और एक जैसा फैलाएंगे। अब हम पराठे को हल्का सा दबाव देते हुए पलट पलट कर दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठे पर दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आ गई है, पराठा सिककर तैयार है। पराठे को उतारकर हम पेट पर रखी हुई प्याली के ऊपर रख देते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। ये हमने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए और इतने डो से हमने 5 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। एक पराठा सिकने में करीब 5-6 मिनट लग जाते हैं। पराठों को अब हम प्याली से उतार कर प्लेट पर रख देते हैं। पराठे ठंडे हो गए हैं। आलू सिंघाड़े के आटे के पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छे पराठे बने हैं, एकदम क्रिस्पी पराठे बने हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएंगे तब डो को हल्का सा सख्त रखें। पराठे बेलते समय हल्के हाथ से बेलें, ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं और सेकते समय मीडियम आग पर पराठों को दोनों ओर अच्छी गोल्डन चिट्टी आने तक सेकें। आप बहुत अच्छे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। ये पराठे आप दही, व्रत वाला रायता या चटनी के साथ में परोसिए, सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।